तीक्षित सेज सुहाग की सिय से सुशोभित। प्रतीक्षा में गिन रही तारे सोच कब आएंगे राम हमारे। मधुर मिलन की प्रथम निशान है युगल सुपरिचित नई दिशा है। सीते कि तुम क्या कर रही हो? मैं परमेश्वर की चरण वंदना करना चाहती हूँ। मैं परमेश्वर नहीं हूँ, पति हूँ तुम्हारा और तुम मेरी पत्नी हो। हम दोनों ही एक दूसरे के परमेश्वर हैं और हम दोनों ही एक दूसरे के भक्त भी हैं। पति पत्नी में बड़े छोटे का ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए सीते। हम दोनों समान हैं और हम दोनों की अपनी अपनी विशेषता है और हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हर गृहस्थी के नाम के मंदिर में पति पत्नी दो स्तंभ हैं और दोनों ही स्तंभ महत्वपूर्ण हैं। एक स्तंभ नहीं रहा तो मंदिर भी नहीं रहेगा। यदि पति पत्नी में ऊंच नीच का भेदभाव होगा तो दोनों एक दूसरे के कैसे बनेंगे? हमें एक दूसरे का मित्र बनना है। पति पत्नी का सखा होगा और पत्नी पति की सखी। हमें एक दूसरे का जीवन भर साथ देना है, हर समय हर दशा में। मैं मन वचन और कर्म से तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहता हूँ और ये आशा रखता हूँ कि तुम हर अच्छे काम में मेरा साथ दोगे। साथ दोगी ना? और बुरे काम में? मैं मन से कभी बुरा काम नहीं चाहूंगा, परंतु इंसान से भूल हो सकती है, वो भटक सकता है। यदि तुम जीवन में तुम ऐसा देखती हो तो तुम्हारा कर्तव्य है कि मुझे उस मार्ग पर चलने से रोकना। एक सच्चा मित्र अपने मित्र को गलत रास्ते पर चलने से रोकता है ना, उसी प्रकार तुम्हें जीवन भर मुझे सावधान करते रहना होगा। सीते, तुम मेरे मन मंदिर की देवी हो। जिस पल मैंने तुम्हें वाटिका में देखा था उस पल से ये राम तुम्हारा हो गया। आज हम दोनों की सहजीवन ये पहली रात है और सहजीवन की पहली रात की याद में मैं तुम्हें एक भेंट देना चाहता हूं। सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं, एक वचन दे रहा हूं।
सीते, इस चंद्रमा की शपथ लेकर मैं तुम्हें वचन देता हूं कि आज से तुम्हारे सिवा हर नारी मेरे लिए पराई होगी। राजाओं की बहुत सी रानी रखने की प्रथा है, परंतु मेरे जीवन में तुम्हारे सिवा दूसरी स्त्री कभी नहीं आएगी और ना ही मेरे मन में कभी दूसरी स्त्री का विचार आएगा। राम की एक ही पत्नी होगी और वो होगी सीता। दे के वचन सिय को दिया प्रेम का सत्य प्रमाण, मर्यादा में राम का है सर्वोपरि शान, नहीं कोई राम समान। लोग मुझे सीता का राम जानेंगे और हमेशा कहेंगे सीता राम। ये प्रतिज्ञा है मेरी,